तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं हेडलाइट के ऊपर। आपने एलईडी लाइट लगवाते रहेंगे और मार्केट में इस टाइम चर्चा चल रही है कि काफ़ी सस्ते में लाइट मिल रही है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम कवर करेंगे कि कहाँ इससे भी सस्ती आपको लाइट मिल सकती है। इवन आपने वीडियो तो देखे होंगे कि इतने सस्ते में कोई नहीं दे रहा। वीडियो में करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज यतिन कटार फ्रॉम बुलेट जोन जनकपुरी। जैसा कि आप अभी मोनू सागर जी से सुना आपने, आज हम आए हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, एलईडी लाइट्स के वैरायटी के साथ। ये आपके सामने जो हेडलाइट्स पड़ी हैं, इनमें ये हेडलाइट्स लेटेस्ट मॉडल हैं अभी जो मार्केट में आए हैं। ये रेज बाय 90 वॉट, इसके अंदर आपको 55 वॉट, 35 वॉट सारी वैरायटी मिलेगी। सेकंड, आपको जो इसकी प्राइस रेंज है, जितना भी आज की डेट में आप वीडियोज वगैरह देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रेट्स जो है आपको मार्केट से काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलेगा। बात करें लाइट्स की, तो मार्केट में आप देख रहे हैं वीडियोज वगैरह में लोग 35 वॉट करके दिखा रहे हैं, 55 वॉट दिखा रहे हैं। सेम हमारे पास भी आपको 35 वॉट, 55 वॉट, 90 वॉट, 90 वॉट तक की लाइट्स आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगी। ये वाली जो लाइट्स हैं, इनकी थ्रो विड्थ वाइज और लेंथ वाइज दोनों ही 90 वॉट्स वालों की काफ़ी दूर तक जाती है। मतलब आप अगर हिल्स पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, तो उसके लिए ये लाइट्स बहुत बेनिफिट हैं आपके लिए। अभी आपने ये हेडलाइट्स देखी, हेडलाइट के साथ ही ये आती हैं एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स जो कि अपने मेन हेडलाइट के लेफ्ट राइट लेग गार्ड वगैरह पे लगाते हैं फॉर मोर विजिबिलिटी। और ये एलईडी लाइट्स जो हैं, ये एरिया ज़्यादा कवर करती हैं। जिसको ये तो कवर कर ही रहे हैं आपका लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, अगर आप ये भी लेग गार्ड पे या एलईडी के लेफ्ट और राइट साइड पे लगा लेते हैं, तो इन लाइट से आपको और फोकस मिलता है। कहीं भी हिल्स वगैरह पे, कैसे भी टेरियन पे जा रहे हैं, डे नाइट आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। अब ये इसमें वैरायटी आती है 9 एलईडी लाइट्स, 14 एलईडी लाइट्स, ये आजकल लेटेस्ट चली हुई है, हार्ले टाइप लाइट्स हैं। इसमें राउंड और स्क्वायर दोनों मिल जाएंगी। ये वाली है स्क्वायर में 9 एलईडी लाइट, ये 20 वॉट लाइट्स हैं सारी। ये वाली है लेंस में प्रोजेक्टर वाली, ये भी वही स्कैटरिंग करने वाली है। ये स्पॉटलाइट है, ये डायरेक्ट सीधा जाती है स्पॉटलाइट। ये एक लेटेस्ट वैरायटी आई हुई है विद रिंग। तो ये सारी रेंज आपको हम लोग दे देते हैं और आप यहाँ आके भी लगवा सकते हैं शॉप पे। ऑनलाइन चाहेंगे आपको ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया डिलीवर भी करवा देंगे हम ये। तो अभी जो आपने एक्सेसरीज देखी, वो एक्सेसरीज थी आपकी बुलेट के लिए। अब आपको कुछ ऐसी एक्सेसरीज दिखाऊंगा जो आपके खुद के लिए हैं, राइडिंग के लिए हैं, राइडर्स के लिए हैं, जिनसे आपकी सेफ्टी ही मैटर करती है। जैसे उसमें सबसे पहले ये आते हैं राइडिंग ग्लव्स। राइडिंग ग्लव्स में काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। ये आते हैं स्कोयको के MC10 मॉडल राइडिंग ग्लव्स के अंदर। ये आता है मैट बाइकर का कार्बन सीरीज के अंदर। और इसी तरह आपको क्या कहते हैं प्रो बाइकर के जो बेसिक ग्लव्स रेंज आते हैं, इस तरह से सारे काफ़ी वैरायटीज आपको राइडिंग ग्लव्स में मिल जाएगी। जैसे कि ये ग्लव्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारी प्रोटेक्शन दी हुई है। अब राइडिंग ग्लव्स को अलग से क्यों पहना जाता है? राइडिंग ग्लव्स को पहनने का ये सेफ्टी होती है, जैसे हम बाइक स्किड करती है, गिरती है, हैंडल मुड़ता है, आपने एक्सीलेटर पकड़ा हुआ है, बाइक गिरी, सबसे पहले आपके जो ये नकल्स हैं यही छिलते हैं यहाँ से। ये तो इनके लिए इन पर सारी प्रोटेक्शन दी हुई है, फिंगर्स पे, यहाँ पे, थंब पे, साइड पे, इधर से सारा ये प्रोटेक्शन है। जैसे कि अभी आपको ये ग्लव्स दिखाए हमने हाथ की सेफ्टी के लिए, सेम वे हमारी एल्बो और नी की सेफ्टी के लिए ये गार्ड्स आते हैं, जिसमें ये प्रो बाइकर का काफ़ी बेसिक रेंज है। इसमें ये यहाँ पे स्टील लगा होता है, इन केस बाइक स्किड करती है तो जो हमको खरोचे पड़ती हैं स्किन के ऊपर, जो इंजरी होती है उससे ये बचाव करता है। बोन की इंजरी से ये कभी बचाव नहीं करेगा। ये होता है कि बाइक स्किड कर रही है तो जो छिल पड़ जाती है, जो घिसट पड़ जाती है, उससे वो होती है। स्कोयको का K11 बड़ा ही कॉमन गार्ड और बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, कि बहुत ही ट्रस्टफुल जो है ये आपका मजबूत गार्ड है नीज के लिए, एल्बो के लिए। इसको आम आप राइडर्स को इसको भी पहना हुआ देखेंगे। ये भी सेट ऑफ 4 में आता है। फिर एक ये लेटेस्ट अभी बिल्कुल यूनिक आइटम आई है, लेटेस्ट आइटम आई है, ये सेट ऑफ 2 में आता है, ओनली फॉर नीज। इसमें आपको ये देखेंगे सारा ये कार्बन फाइबर होता है, प्रो बाइकर की ही ये एक और रेंज है। इस तरह इसमें आपको हमारे पास काफ़ी और वैराइटीज भी मिल जाएंगी। ये फॉक्स के हैं, स्कोयको का है, स्कोयको का ये भी सेट ऑफ 2 में आता है, K12 ये मिल जाएगा। फॉक्स में आपका स्टैंडर्ड, ये टी गार्ड के नाम से आता है। प्रो बाइकर में एक ये हैवी रेंज आती है, ये वाली, ये जैसे ये दिखाया है इससे भी हैवी रेंज है। तो वैरायटी काफ़ी मिल जाएगी, ये भी सेट ऑफ 4 में मिलेगा। तो हो गए राइडिंग गियर आपके लिए। अब जब आप राइड पे जा रहे हैं, उसके साथ आपको ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज कैपेसिटी की, स्टोरेज की। तो उसके लिए जैसे हमारे पास एक ये टॉप बॉक्स आता है, ये आपको अभी मैं बाइक पे लगा हुआ भी दिखा सकता हूँ। ये टॉप बॉक्स आता है हेलमेट, इसमें आप हेलमेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लगेज रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको आप।
जैसे अभी आपने ये बुलेट पे लगा हुआ देखा है, तो इसके साथ इसको लगाने के लिए इसका रैक भी आता है। इसका और रैक का दोनों का कॉम्बो हम आपको देंगे विद फिटिंग। आप फिटिंग करवाना चाहे फिटिंग करवा लीजिए, ऑनलाइन मंगवाना चाहे हमारे से थ्रू कोरियर पे मंगवा भी सकते हैं ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस। राइड पे जा रहे हैं, ज़्यादा दिन की राइड है, कपड़े स्टोर करने हैं, स्टोरेज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सैडल बैग की। ये है सैडल बैग, सबसे पहली ये रेंज है गोल्डन राइडर की। इसमें भी आपको हमारे पास वैरायटी मिल जाएगी, 26 लीटर का भी मिल जाएगा और 69 लीटर का भी मिल जाएगा। फिर ये रेंज आती है टैंक बैग में भी वैरायटी है, ये स्मॉल साइज में है, मोबाइल आप उसमें रख के अपना टच वगैरह सब काम करता है। उसके अलावा गोल्डन राइडर रैमको का भी मिल जाएगा आपको। ये एक सैडल बैग की अलग वैरायटी है, सैडल बैग की ये एक अलग वैरायटी है, थोड़ी सस्ती रेंज में 1200 के करीब इसका प्राइस आता है और इसकी भी कैपेसिटी है 70 लीटर्स। नई बुलेट ली, शोरूम से निकलवाई, चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या ज़रूरत लगती है कि बुलेट वाली साउंड चाहिए, उस साउंड के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एग्जॉस्ट की, साइलेंसर्स की। ये सारी रेंज है साइलेंसर एग्जॉस्ट की, जो कि फ्री फ्लो में भी मिलेंगे आपको, हमारे पास सेरेमिक बूल में भी मिलेंगे। जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं इंदौरी साइलेंसर। ये जो है आपके इसमें 3 पार्टीशन होते हैं, और जो 80s की बुलेट्स में जैसी आवाज़ आती थी बुलेट्स में डुक 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 टाइप, पतली ज़्यादा शोर ना बजाने वाली, इसकी आवाज़ वैसी है, आज के डेट में काफ़ी कॉमन है। और दूसरा, इसमें पटाखे नहीं बजते तो चलान का भी इशू नहीं है। ऐसे फिर ये सारी रेंज जो है ये सेरेमिक वूल के अंदर रेंज है। सेरेमिक वूल का क्या फ़ायदा है, एक आपकी इंजन की वाइब्रेशन कम करता है, दूसरा एवरेज में कोई फर्क नहीं डालता। फ्री फ्लो साइलेंसर जैसे आप कोई भी लगाओगे तो उससे एवरेज में 1.5 किलोमीटर का फर्क आता है, ये चीज़ आपको सेरेमिक वूल में नहीं होती। प्लस वाइब्रेशन भी इंजन की बढ़ाता नहीं है। इसमें भी रेंज है, जैसे ये बैरल एग्जॉस्ट है, ये आज की डेट में काफ़ी कॉमन चल रहा है। ये बैरल एग्जॉस्ट की कॉपी, फर्स्ट कॉपी में सेरेमिक वूल के साथ है, जो नॉर्मल बैरल एग्जॉस्ट आता है वो सेरेमिक वूल वाला नहीं होता। इसमें आपको ये डॉल्फिन मिल जाएगा, एक ये आता है स्वैगमैन का रेप्लिका, जो कि जैसा आपका ओरिजिनल शोरूम से साइलेंसर लग के आ रहा है। आप लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा शोर वाली नहीं चाहिए कि सुबह सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग कहीं जा रहे हैं गली मोहल्ले वाले परेशान, और उस चीज़ के लिए ये रेप्लिका स्वैगमैन का एग्जॉस्ट है, जो कि आपको नॉर्मल जो आपका कंपनी फिटेड आता है वो 4.5 kg का होता है, ये 5.5 kg का है। अगेन इसका वही बेनिफिट है, आपकी वाइब्रेशन जो है गाड़ी की वो किल करता है। एयर्स हो गए, स्टोरेज के लिए आपको हमने सामान दिखा दिया, साइलेंसर एग्जॉस्ट दिखा दिए। अब आती है राइडिंग के लिए सीट्स की कंफर्टेबल लेवल, जो क्लासिक हम नॉर्मली लेते हैं। क्लासिक के अंदर सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है लॉन्ग राइड्स के लिए, जो फैक्ट्री फिटेड सीट्स आती हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, ये बिग बॉस सीट खजांची, आपने आप नाम सुना होगा, सेम उसी खजांची की हमारे पास सारी सीट्स अवेलेबल होती हैं। ये है बिग बॉस सीट, जो कि ये पीछे टेल बोन को रेस्ट देती है, और नॉर्मल सीट से ये विड्थ वाइज ये भी आपको बड़ी मिलेगी और ये वाली भी बड़ी मिलेगी। इसकी विड्थ वाइज नॉर्मल कंपनी फिटेड सीट से बड़ी होती है, प्लस कंफर्टेबल होती है, कुशन्ड होती है। इसी में क्लासिक में आपको अगर ऐसी लॉन्ग सीट चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा टाइप, ये भी मिल जाएगी, ये भी काफ़ी डिमांड में है, राइडर्स लगवा के जाते हैं। स्टैंडर्ड में जो नॉर्मल कस्टमर का होता है, नॉर्मल सीट इतनी बड़ी आती है, उनको लो हाइट सीट चाहिए होती है, उसके लिए लो हाइट सीट्स भी अवेलेबल हैं, और यही बिग बॉस सीट इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड के लिए भी मिल जाएगी हमारे पास। आपको मैंने आइटम्स दिखाई, इनके अलावा भी हमारे पास आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे हेलमेट्स, लगेज कैरियर कॉमनली जिसको हम लोग लद्दाख कैरियर कहते हैं, हर बाइक के लिए थंडरबर्ड, स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा, क्लासिक, हेलमेट्स की पूरी रेंज है, स्टील बर्ड, स्टड्स, वेगा, O2, रेंगलर। इसके अलावा जो आपको फ्लैशर लाइट, साइड मिरर्स, बॉडी कवर, सीट कवर्स, क्रैश गार्ड्स, जो बुलेट के फ्रंट गार्ड, रियर गार्ड, थंडरबर्ड के लिए मेन कॉमन इशू रहता है कि राइट साइड में साइड गार्ड नहीं आता, जिससे कि वो सैडल बैग को डैमेज करता है, तो उसके लिए हमारे पास वो साइड गार्ड भी है राइट साइड का, कि थंडरबर्ड में आपको वो डैमेज नहीं होगा सैडल बैग वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये सब आपने देखा बुलेट और राइडिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज। इसके अलावा हम कार एक्सेसरीज में भी डील करते हैं। कार एक्सेसरीज को हम तकरीबन पिछले 13 सालों से हम कार एक्सेसरीज की लाइन में हैं। कार से रिलेटेड आपको सीट कवर्स, मैट्स, स्टीयरिंग कवर, सारी आइटम कार डेकोरेशनिंग, म्यूजिक सिस्टम, डोर वाइजर, पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ। तो आप आ सकते हैं साई कार पैलेस, बुलेट जोन, दिल्ली हट, चन्नपुरी के ऑपोजिट, आके फिट भी करवा के जा सकते हैं, और अगर आप थ्रू कोरियर इंडिया में किसी भी कोने में मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं। दुकान का एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन होगा मोनू सागर जी के चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियोज़ के लिए उसमें नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक करिए।
जय हिंद।